मन में अगर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं जैन धर्म से रिलेटेड, तो आप जिनसर फोरम पर डाल सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि आखिर जिनसर बनाने का कारण क्या है, क्योंकि आप सभी लोग व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप धर्म की बातें कर ही रहे हैं, परंतु होता क्या है कि हम जैसे ही व्हाट्सएप चलाते हैं तो फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेजेस चेक कर रहे हैं, और तभी जैसे आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया तो आप उस पर चले गए, अब उधर पे ध्यान भटका, तो ध्यान भटकते भटकते तत्व चर्चा तो एक साइड रह गई और वही दुनिया भर की चर्चा अपन की होने लगी। तो इसमें क्या है कि जो टॉपिक्स पर चर्चा जिनस्वर फोरम पर चल रही है उसमें सिर्फ आप एक बटन दबाकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के हिसाब से कैटेगराइज चर्चा वहां पर आपको मिल जाएगी। आपको अगर द्रव्यानुयोग रिलेटेड प्रश्न है, आप द्रव्यानुयोग टैब में गए, वहां पर अपना प्रश्न डाला और आपको कुछ ही समय में उसका उत्तर विद्वानों, शास्त्री और मंगलार्थियों के द्वारा मिल जाएगा। तीसरी और अंतिम चर्चा ये कि आप किस प्रकार से इसमें जुड़ सकते हैं, जिनस्वरा से कैसे जुड़े, तो सिंपल सा है, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर आपको जो भी वीडियो देखना होता है आप सर्च कर लेते हैं, वैसे ही आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाकर जिनस्वरा डालना है और आपके सामने जिनस्वर ने जो बच्चों के लिए, जो हमारे ज्ञानियों की पुरानी उनके जीवन चरित्र पर वीडियोस बने हैं, एनिमेशंस बने हैं, भक्तियां डली हैं, वो सब आपको जिनस्वर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जिनस्वर फोरम से कनेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ गूगल पर जाकर जिनस्वर डालना है, वहां पर जिनस्वर फोरम आ जाएगा, आप अपनी गूगल आईडी से वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इस संबंधी कोई भी डाउट हो तो हम सब मंगलार्थी यहीं पर हैं, आप तुरंत हमसे ये बात पूछ सकते हैं। और आप लोग, मैं ये चाहता हूं कि ग्वालियर से ज्यादा लोग हम सब से जुड़े और घर पर बैठे बैठे हम सब की चर्चाओं का, बड़े बड़े विद्वानों का, अपनी डाउट्स को क्लियर करें, जैन धर्म से जुड़े, अपने जैन धर्म के विचारों को, चर्चाओं को देश में नहीं पूरे विदेश में फैलाएं। अगर आपके पास कोई जैन धर्म से रिलेटेड, आप स्केचेस अच्छे बनाते हैं, पेंटिंग्स अच्छे बनाते हैं, आप कविताएं अच्छी लिखती हैं जैन धर्म से रिलेटेड, आप वो जैन धर्म फोरम पे, जिनस्वर फोरम पे हमें पहुंचाएं, ताकि हम वो सब लोगों को पहुंचाएं जो जो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिनस्वर के माध्यम से, जो हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और देखिए, मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे पंचकल्याणक में हमारे आने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आप पंचकल्याणक में इसलिए आ रहे हैं कि चलो यार दोस्तों यारों से मिलना हो जाएगा, चलो यार बहुत देर हो गए उन लोगों से मिला नहीं है तो अपन मिल लेंगे, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नहीं, मुझे भगवान के कल्याणक कैसे होते हैं उसका आनंद लेना है। तो एक ही चीज का उपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग कैसे करना है, वो आपके हाथ में है। वैसे ही टेक्नोलॉजी हम सबके हाथों में है, पर उसका हमें उपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग कैसे करना है, वो सब आपके हाथों में। तो आप सभी जिनस्वर से जुड़ सकते हैं। जिनस्वर का ये जो बैनर है हम बाहर ही लगाएंगे, इसमें जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके नंबर भी हैं, यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं जिनस्वर की वो भी दी गई हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, छोटा से छोटा डाउट होता है, तो हम सब मंगलार्थी यहाँ पर हैं, आप किसी से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और बात, कल पंडित जी साहब के प्रवचन में भी बात आई थी कि कोई छोटा सा भी कार्य करता है और उसको प्रोत्साहन मिलता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। ये कार्य हमने सिर्फ 12-14 महीने पहले स्टार्ट किया था और अभी 1,80,000 व्यू हमारे इस पे आ रहे हैं सिर्फ फोरम पे, बाकी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और भी काफ़ी जगह जितने व्यू आ रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन एक छोटा सा हमको धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलता गया, विद्वानों के द्वारा मार्गदर्शन मिलता गया, सुझाव सजेशन सब मिलते गए, तो उस माध्यम से हम इतना आगे बढ़े। आप लोगों के सुझाव सजेशन मार्गदर्शन मिलेगा तो हम और आगे इसको लेके जाएंगे, हमारा भी इसमें स्वाध्याय के माध्यम से फ़ायदा होता है, आप सभी का भी हो इसी भावना से।